खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां लोकायुक्त एसपी गोपाल धाकड़ की टीम द्वारा जनपद पंचायत मऊगंज के सीईओ शैलेश पांडे को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया है, जो वाहन मालिक के रुके हुए बिल भुगतान के बदले में रिश्वत मांगी थी, जिनके पास नई गढ़ी जनपद का अतिरिक्त प्रभार भी था। रीवा जिले में महज 10 दिन के अंदर दूसरे घूसखोर सीईओ को लोकायुक्त की टीम ने सफाया किया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए जनपद सीईओ ने मऊगंज पहुंचते ही यहां के जनपद की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात की थी, जिनकी सारी सच्चाई आज सामने आ गई। वैसे भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही में बड़ा फर्क दिख रहा है, जहां पर सत्ताधारी दल के संरक्षण में रीवा जिले में भ्रष्टाचारी खूब फल फूल रहे हैं, उसी का प्रमाण है नई गढ़ी से मऊगंज के लिए स्थानांतरित जनपद सीईओ मऊगंज जनपद क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने की भले ही बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके चौतरफा भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरते हुए नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ममता कुचबिहारी तिवारी ने जांच की मांग किया है, उससे पार पाना मुश्किल रहा है। नई गढ़ी में भ्रष्टाचार और मनमानी को लेकर घिरे जनपद सीईओ पर जांच की आंच आने से पहले मऊगंज के लिए स्थानांतरित कर सुरक्षित किए जाने की जिला प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही थी। आपको बता दें, नई गढ़ी जनपद में सीईओ श्री पांडे के ऊपर नए नए आरोप लगने लगे थे, जहां पर 15 दिन में भ्रष्टाचार की नीयत से 4 लेखा अधिकारी बदले गए। वहीं अध्यक्ष की माने तो उनकी जानकारी के बगैर 15 लाख से अधिक की राशि निकाल ली गई। वहीं इस भ्रष्टाचार के इनाम के एवज में मिला था नई गढ़ी जनपद का अतिरिक्त प्रभार, जिसमें अंततः उनके पाप का घड़ा लोकायुक्त की कार्यवाही में फूट गया है। कौन बोले हैं? पकल समझ में आवे कौन है पकल बोला ये आपने शिकायत की थी किस मामले में कितना पैसा मांगा गया सर? मेरी गाड़ी लगी थी जनपद पंचायत नई गढ़ी में, 5 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा था। फिर मैं इनसे बात किया, बोले कुछ चाहिए, तो फिर बात हुई 20,000 की। फिर उसमें मैं बोला सर पैसा निकलवा दीजिए तो मैं दे देता हूँ, मेरे पास तो है नहीं। फिर 4 महीने का बिल निकलवाए, 1 महीने का रोक रखे हैं। फिर मैं गाड़ी लेकर घर चला गया तो मेरे नाम ये झूठी FIR कराए और डरा धमका रहे थे कि पुलिस में बंद करा दूँगा साले, ये कर दूँगा वो कर दूँगा। फिर मैं इनसे बात किया, बोले 17,000 दे दो, तो 4,000 कल दिया और 13,000 आज दिया। आज कहाँ देने गए थे? आज सर इनके घर में देंगे। नेहरू नगर। कितने समय ये कार्रवाई हुई है? शाम के 5:30-5:30। गाड़ी कब से लगी थी आपकी? गाड़ी मेरी जून माह से लगी थी, 2022। तब से यही प्रभाव में? हाँ। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र कुमार पटेल। शिकायत करते हैं शिवेंद्र कुमार पटेल। इनकी गाड़ी नई गाड़ी में सीओ साहब जनपद में लगी हुई थी किराए पे, और जून से लेके अभी तक उनको पैसा नहीं निकाला गया था, जिसका पैसा निकालने के एवज में सीओ साहब श्री शैलेश कुमार पांडे जी कमीशन मांग रहे थे, टोटल 20,000 रुपये की मांग कर रहे थे। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा निवेदन किया तो 17,000 रुपये इनका बोला कि ठीक है आप, मैं कम कर दे रहा हूँ, 17,000 रुपये दे देना। और इन्होंने बोला था कि 7,000 मेरे ड्राइवर को दे दो, बाकी मुझे दे देना। इसमें से 4,000 पहले ले चुके थे और 13,000 रुपये आज लेते हुए हैं, रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। सर ये कुछ थाने भी मामला पहुंचा था इनका, किसी मतलब गाड़ी वाड़ी को लेकर अभी फरियादी बता रहे हैं। ये शिकायतकर्ता ने बताया है शिवेंद्र कुमार पटेल ने कि 23 तारीख को जब इन्होंने बोला कि मेरा पैसा निकाल दो, मुझे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, तो इन्होंने थोड़ी पहले से ही कुछ किटरपटर चल रही थी कमीशन को लेकर के। 23 तारीख को इनका ये कहना है कि मुझे बोला कि तुम चले जाओ, मैं घर चला गया। तो 24 तारीख को इन्होंने सीईओ साहब ने उसकी झूठी शिकायत, उसका ये कहना है कि मेरी झूठी शिकायत कर दी कि साहब वो गाड़ी लेकर चला गया, आ नहीं रहा है। इस बात की उन्होंने झूठी शिकायत, उस पर दबाव डाल रहे थे, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँगा, तुम मुझे पैसा दे दो। ये पैसा का मैटर था, उसका ये कहना है कि पैसे की वजह से मेरी झूठी शिकायत किया है। 13,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं।